सब्सक्राइब कीजिए गौरव मॉडिफिकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशंस लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बाइक रिपेयरिंग की। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव मॉडिफिकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दूंगा जो कि बाइक से रिलेटेड है, बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड है। सो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और इसी प्रकार की बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। सो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारी बाइक की सर्विस हमें कब करनी चाहिए, अथवा हमारे को ये नहीं पता होता है कि हमारी बाइक में कितने कितने किलोमीटर पर हमारे को सर्विस करानी चाहिए और किन किन चीज़ों को हमारे को ध्यान। आप लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगा कि हमारी बाइक की हमारे को कब कब सर्विस करानी चाहिए और किन किन बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब हमारी गाड़ी नई होती है तो हमारी पहली सर्विस होती है माय फ्रेंड्स 500 किलोमीटर पे। जैसे हमारा पहली सर्विस 500 किलोमीटर पे होती है, सो माय फ्रेंड्स सेकंड नंबर की सर्विस होती है 2500 किलोमीटर पे, और जो थर्ड नंबर की सर्विस होती है माय फ्रेंड्स वो होती है 5000 किलोमीटर पे, और जैसे धीरे धीरे करके हमारी जो भी सर्विस आती जाती है वो 2500 करके 2500 पे होती है। जितनी भी सर्विसें हमारी आएंगी वो सारी 2500 के दरमियान होती जाएंगी माय फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए। 2500 किलोमीटर के ऊपर हमारे को अतरांत हमारे को गाड़ी चलानी है 2500 किलोमीटर, और उसके बाद हमारे को सर्विस करानी है हमारी गाड़ी की, चाहे जो भी हो, ये अनिवार्य है। ऑयल चेंज करना है और उसकी सर्विस करानी है। ये तो हो गया हमारी सर्विस का, और अब हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जो भी गाड़ी अपनी है XYZ, अपनी हीरो होंडा है या फिर अपनी यामा है, बजाज है, TVS है, कोई भी गाड़ी है, उसके अंदर हमारे को ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। यानी जितना हम अच्छा क्वालिटी का सामान यूज़ करेंगे हमारी गाड़ी के अंदर, जितने क्वालिटी के हम उसके अंदर पार्ट्स यूज़ करेंगे, उतनी ही क्वालिटी वाइज हमारी गाड़ी हमारे को सर्विस देगी माय फ्रेंड्स। उसका चलने का जो ये है टाइम है वो ज़्यादा रहेगा। जितनी अच्छी हम उसमें ऑयल यूज़ करेंगे, जितना अच्छा हम उसमें पार्ट्स यूज़ करेंगे, उतनी अच्छी वो गाड़ी हमारे साथ फ्रेंडली यानी बिहेव करेगी, हमारे साथ बहुत अच्छा यानी सही चलेगी गाड़ी। सो माय फ्रेंड्स, ये मेरा बताने का बहुत दिनों से मेरे को कस्टमर्स भी पूछते हैं बार बार, मैं उन लोगों को बता बता के थक चुका हूँ कि ये बाइक में इतने दिन में सर्विस कराओ और इतने दिन में आप लोग ये करो और ये ओरिजिनल ऑयल डालो, मैं बता बता के थक चुका हूँ। मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए इस पर ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल भी ओरिजिनल होना चाहिए और गाड़ी का जो अपना पार्ट्स है वो भी ओरिजिनल होने चाहिए, और उसके बाद में गाड़ी का जो अपने को क्या। हाँ, एक और बात है, जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय हमारे पास कोई अच्छी क्वालिटी का हेलमेट भी होना चाहिए माय फ्रेंड्स, ये भी एक बात अनिवार्य है, एक हेलमेट भी हमारे पास ओरिजिनल होना चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान तो अपने को रखना है, और उसके बाद एक और बात आती है माय फ्रेंड्स, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर हम बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। सो माय फ्रेंड्स, ये भी एक हो गया, और उसके बाद हमारे पास गाड़ी के कंप्लीट पेपर्स होना बहुत अनिवार्य है। अगर हमारे पास गाड़ी के पेपर्स पूरे नहीं है, पॉल्यूशन हमने अगर नहीं करवा रखा, 25-30 रुपये में पॉल्यूशन होता है, वो अगर हमने नहीं करवाया है तो हमारे को सीधा सीधा 1500 से 1600 रुपये का चालान कटता है माय फ्रेंड्स। सो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगा होगा, एक एक बात की मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि गाड़ी चलाते समय अपने को क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सर्विस कराते समय हमारे को कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करना है, ओरिजिनल पार्ट्स का यूज़ करना है, और हमने ऑयल कौन से क्वालिटी का डालना है, अच्छी क्वालिटी का डालना है। और अगर आप चाहो तो मेरे पास आकर सर्विस करा सकते हो, नीम का थाना में मेरा वर्कशॉप है, विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल्स के नाम से गावड़ी मोड़ पे है, और यहाँ पर मैं सर्विस किट का यूज़ करता हूँ माय फ्रेंड्स, फ्यूल एडिटिव, इंजन ऑयल फ्लश एंड इंजन ऑयल एडिटिव का यूज़ करता हूँ माय फ्रेंड, जो कि शोरूम के अंदर यूज़ होते हैं, वो आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग डलवा सकते हो मेरे पास आकर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं और भी अवेलेबल होते हैं तो वहाँ भी आप लोग डलवा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आता हूँ। गौरव मॉडिफिकेशन चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो बाय बाय।